अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे, तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हो। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ, आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था।